पाकिस्तान में आलमी ताकतों ने फाइनल फैसला कर लिया पाकिस्तान को इराक और शाम बनाने का। जो 2015 में साजिश के पीछे में लगा था, 17 में मैंने इसको तस्वीर कर लिया कि इनका निशाना क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बेफिक्र रहो, हम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अंदर भी मौजूद हैं, हम होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर भी मौजूद हैं, हम CIA की भी सारे राज जानते हैं, हमने मौसाद को भी निमटा हुआ है, हमने खाद को भी निमटा हुआ है, हमने इन्हेरा बादशाहों को भी निमटा हुआ है। तो मैं आपको ये बताता चलूं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर वही कुछ होगा जो आज लबनान में होगा, क्योंकि लबनान में भी वही डिजाइन अपनाया गया जो पाकिस्तान के लिए अपनाया गया कि ईंधन के क्राइसिस के अंदर ले आओ। क्या आप लोग भूल गए मार्च के तीसरे महीने में 2020 के अंदर एक टेलीविजन प्रोग्राम में मैं जब आया तो मुझे उस वक्त की जरूरत थी और आते के साथ ही मैंने ये आगाह किया लाइव प्रोग्राम में कि आधे घंटे के बाद दुनिया में वो तमाशा शुरू होने वाला है जो आज के बाद कयामत तक ये दिन वापस नहीं आएगा कि तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट करके इसको इतनी मंदी पे ले जाया जाएगा जहां 100 साल के लिए अमेरिका तेल को जखीरा करेगा। और इत्तेफाक ये हुआ कि ठीक आधे घंटे के बाद ही तेल की कीमतें गिरना शुरू हुई। पाकिस्तान के सहाफी कह रहे थे जनाब तेल का इतना जखीरा है कि अब वो समंदर में बहना शुरू हो गया। मैं उनको कहूंगा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मालिकान के नौकर ना बनो, सहाफी बनो, सहाफी बनो। पफिंग करके टीवी पे बैठ के मालिकान के दिए हुए गंडे जो अरब बादशाह से आते हैं वो पाकिस्तानियों को सुनाकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना बंद कर दो। तो जमातें पढ़ के आओ पहले, वो तेल जब पूरी दुनिया बंद होगी तो भी जखीरा के आप ही शायद फेसबुक और यूट्यूब हो गए भाई हमारे लिए, जब सच बोलो बंद कर देते हैं। तो मैंने ये आगाह किया कि दुनिया बंद होगी तो तेल जखीरा होगा, चलती दुनिया में तो 1 लीटर पेट्रोल ना बचे भाई, और तेल जखीरा कर लिया गया। मैं चीख चीख के कहता रहा इन हुक्मरानों को, यही बनते 18 सेंट पर बैरल के अंदर तेल को जखीरा कर लो। लेकिन लोग कहते हैं तो पागल हो गया। कुदरत का करिश्मा देखें कि उस प्रोग्राम के ठीक 4 घंटे बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टीवी पे आया और उसने ये ऐलान किया कि तारीखी गिरावट का हमने फायदा उठाते हुए अगले 100 साल के लिए अपने स्ट्रेटेजिक जखायर के अंदर तेल का इजाफा कर दिया।